है दिल जमाने की। बहुत बहुत धन्यवाद ग्लोबली न्यूज़ को, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पंकज जी हमारे साथ में हैं, आपके ग्लोबली न्यूज़ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, आप इतना 10 दिन पूरा कवरेज किए हैं, लोगों तक पहुँचाएँ, उसके लिए मैं श्री राम सेवा परिवार की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज़ अपडेट्स में। श्री राम सेवा महोत्सव श्री राम सेवा परिवार के सौजन्य से पिछले 10 दिनों तक 1 तारीख से जो कार्यक्रम शुरू हुआ आज तक हो रहा है, सामूहिक विवाह के साथ साथ और भी तमाम कार्यक्रम यहाँ पे था उत्तरबंग मारवाड़ी पैलेस में, और हमने समस्त कार्यक्रमों को आपको सिलसिलेवार से एक एक चीज़ को मैंने दिखाया है, और आप लोगों ने भी मेरे कैमरे के सौजन्य से, मेरे टीम के सौजन्य से, मेरे चैनल के सौजन्य से आपने इस चीज़ों को देखा है। तो जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही अपडेट्स लेकर के, हम पुनः मिलेंगे आपके साथ। आप सब पे प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। शहर से दूर कुदरत के बीच छुट्टियों के कुछ दिन बिताना है तो आयुष जंगल रिसोर्ट आपका स्वागत करता है। डुआर्स के खूबसूरतियों के बीच चारों ओर घने जंगलों से घिरा मूर्ति नदी के किनारे, यहां एसी नॉन एसी डिलक्स रूम के साथ साथ आनंद लीजिए स्वादिष्ट और हाइजीनिक खाने का। हमारे यहां जंगल सफारी के सुव्यवस्था के साथ साथ पिक एंड ड्रॉप सेवा भी उपलब्ध है। आज ही आए छुट्टियों के कुछ दिन बिताने आयुष जंगल रिसोर्ट गोरुमारा बंगलो के नजदीक निया मूर्ति नदी लाटागुड़ी। स्वागत है दीदी, आज इस सामूहिक कार्यक्रम में आप कन्यादान की है, ऐसे अवसर पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली से मैं आई, राम सेवा परिवार इसका जब गठन हुआ तो मुकेश भैया ने मुझे फोन किया कि भाई हम छोटी सी एक संस्था बना रहे हैं और जिसमें रामकथा का आयोजन करेंगे। बात खाली रामकथा की थी और बोले 30 या 31 कार्यकर्ता जुड़ेंगे। इतना विशाल रूप ले लिया, मतलब यहाँ आके मैंने देखा सिलीगुड़ी का हर मारवाड़ी यहाँ आया हुआ है। इतना सात्विक विचारों से सबने कार्य किया, पहले तो रामकथा सुनी, उसके साथ कितनी तरह के सामाजिक कार्य किए, रक्तदान हुआ, आई डोनेशन, प्लस बच्चों को स्कूल की कॉपी किताब देना, जो विकलांग थे उनके आंकड़े लगवाना, कई साइकिल दी, कई बाइक दी, अद्भुत कार्य, मतलब इतनी वैरायटी के इन्होंने कार्य किए रामकथा सुनते हुए। सिलीगुड़ी पूरी राममय हो गई थी 8 दिन की कथा को सुनते हुए, लेकिन सामाजिक कार्य इसके अलावा मैंने और कहीं नहीं देखा। रामकथा तो बहुत जगह होती है, सामाजिक कार्य कोई नहीं करता। राम सेवा परिवार ने एक संदेश दिया है, कथा करो लेकिन राम का अनुसरण भी करो, राम राज्य बनाओ जहाँ कोई दंगा लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हो, और हम हिंदू संस्कृति से जिए, हिंदू संस्कृति का आदर करें, और हमारे अंदर कोई जात पात का भेदभाव नहीं है। ये हमारे राम सेवा परिवार का एक जज्बा है, एक सोच है, और मैं समझती हूँ हमेशा हम इसी जज्बे के हिसाब से काम करते रहेंगे, समाज के सभी वर्ग को साथ ले। राम सेवा परिवार की खास बात और है, यहाँ प्रेसिडेंट ट्रेजरर कोई भी नहीं, सारा समाज के एक साथ काम कर रहा है, जो कि अद्भुत। थैंक यू। दूसरी बात मैं बताऊँ, मेरी शादी को 55 साल हो गए, मैंने सोचा शादी के 55 साल कोई ऐसा अनूठा सेलिब्रेशन करूं जिससे कि समाज के लोग भी। पहले मैंने ऋषिकेश में जया किशोरी जी की कथा करवाई गंगा के किनारे, वहाँ से आके यहाँ राम कथा सुनी और 55 लड़कियों का कन्यादान दिया, जो जीवन का अनूठा कन्यादान। मैं समझी अपना परिचय दे, सुलोचना मानसी राजोदिया, कलकत्ते की लड़की हूँ और सिलीगुड़ी की बहू हूँ। यहाँ आके मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं बयान नहीं कर सकती, इसीलिए साल के 3-4 महीने तो मैं यहाँ स्पेंड करती हूँ, और आज से नहीं बरसों से।
तो ये सुलोचना दीदी को आपने सुना, जो स्वागत है आपका द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। क्या नाम है आपका? थैंक यू सर, माय नेम इज सुनील मेहर। कहाँ से आई हैं? हम लोग बिहार से आए हैं, ओटी गार्डन, इसलिए बात हो रहा है। आप यहाँ पर जब आए तो क्या कार्यक्रम आपने देखा आज? मैंने देखा यहाँ पे शादियाँ हो रही है, बहुत सारे लाइक 150 आई थिंक और 51 कपल्स की शादी हो रही है, और मेरे अंकल आंटी भी इंक्लूडिंग है इसमें, तो अंकल आंटी की शादी के लिए हम लोग आए थे। अंकल आंटी का शादी था? क्या नाम है आपका अंकल आंटी? सुभाष मेहर एंड कोमल मेहर। कहाँ है अभी अंकल आंटी? अंकल आंटी अभी शायद इधर ही कहीं होंगे, बुलाए हैं किसी का। थैंक यू सर। तो दर्शकों, आपने यह देखा, स्वागत है आपका द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। मैं पंकज, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज दसवां दिन है रामकथा का, बहुत ही आनंद हो रहा है, इतने सारे तादाद में भीड़ है तो देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। बनाने वाले को भी बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा वो खाना बना के खिला रहे हैं, और राम सेवा परिवार के जितने भी कार्यकर्ता वगैरह हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद ले रहे हैं, इतनी शादी और शादी के साथ में सबको सम्मान वितरण हो रहा है, और सब बड़ी तादाद में खाना पीना कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण करके जा रहे हैं। हम लोगों ने 10 दिन बहुत आनंद किया। जय श्री राम, सबसे अनोखा काम है जय श्री राम। जय श्री राम बोल के ये कार्यक्रम शुरुआत हुई थी, और मैं यही कहना चाहूँगा, ये हम लोग करने वाले कोई नहीं है, कराने वाले श्री राम हैं। अयोध्या में श्री राम जी विराजमान हुए, और यहाँ सिलीगुड़ी में हम लोग को एक प्रेरणा मिली। गुरु जी प्रपंच जी महाराज ने आदेश दिया एक रामकथा होनी चाहिए, तो रामकथा का मुकेश जी और उनकी टीम पूरी, और हम लोग सारे मिल गए। जैसे बांदरों की सेना मिलती है, जैसे अपने वनवास जब गए थे, सीता जी का हरण हुआ था, उस वक्त सारे बांदर सेना लग गई थी, वैसे ही पूरा सिलीगुड़ी का समाज, सिलीगुड़ी के यंग जनरेशन, मातृशक्ति, युवा शक्ति सारी लग गई इसके भीतर में, और ये एक अनोखा काम यहाँ पे सिलीगुड़ी में हो रहा है। ये जो कार्यक्रम हुआ है आज, ये विश्व के लिए एक अनोखा कार्यक्रम हुआ है। रामकथा के साथ साथ में सेवा का काम, इस सेवा का काम हम लोग जो कर पाए हैं, उसके लिए पूरे समाज को जो भी आर्थिक सहयोग किया हुआ है, मानसिक सहयोग किया है, तन से मन से धन से जिन्होंने भी सहयोग किया है, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और आगे भी हम लोग ऐसा कार्यक्रम करते रहें, समाज की सेवा करते रहें, उनका हमें साथ मिलता रहें, यही मेरी कामना है। आज आप देख रहे हैं 151 युगल जोड़ी का विवाह बंधन में बंधे हैं, देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे राम राज्य की स्थापना का कुछ सूत्रपात हो गया, श्री गणेश हो गया। तो इसी के साथ में हम लोग सारे कार्यकर्ता हम लोग हर्षोल्लास से भरे हुए हैं, हम लोग खुशी आ रही है, खुशी मना रहा है, और ऐसा खुशी हो रहा है, खिला के खुशी हो रही है, मतलब किसी को भी कोई देख के और खुशी हो रहा है, किसी को भी कोई मतलब हरारत नहीं है, ऐसे लग रहा है हमारे जोश दुगना हो गया है हम लोग का। 10 दिनों के कार्य करने के बावजूद भी थकान नहीं हो रही है। अभी ऐसा अभी भी करेंगे, अभी भी करेंगे हम लोग, अभी भी करेंगे, अभी भी सल्ताना है, बहुत है ऐसे। जय श्री राम। अभी देखिए हमारे कार्यकर्ता और भी है, आप लोगों को कोई शिकन है क्या जो आज कार्यक्रम हुआ है? कितनी थकान हुई है कि आप लोग को? नहीं, थकान महसूस ही नहीं होती है, इतना अच्छा कार्यक्रम है, और 10 दिन से मालूम नहीं पड़ रहा थकान बाबा की कृपा से ऐसा है कि कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। क्या बात है, और लोगों को देख के प्रशंसा हो रही है कि ये पहली बार ऐसा मौका मिला है, और बाबा की कृपा हो तो जल्दी से जल्दी दूसरा मौका भी मिले। सिलीगुड़ी में मैंने पहले बार देखा इतना बड़ा कार्यक्रम, अपनी लाइफ में इतना बड़ा कार्यक्रम मैंने कभी नहीं देखा। जय श्री राम। मैं ये बात बोलना चाहूँगा, ये तो ट्रायल है,
भगवान राम का ट्रायल है ये, आगे पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर बहुत बननी है, राम जी की कृपा रही तो और इससे बढ़कर भी कार्यक्रम होंगे। बहुत सुपर, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक अंतिम सवाल है, कुछ लोगों के चेहरे पर मैं देख रहा हूँ भावुक है, आंखों में आंसू है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए भावुक तो जो वातावरण 10 दिन से जो एक दूसरे के साथ कंधा मिलाते हुए चल रहे हैं और शायद सिलीगुड़ी में मेरा भी इतना परिचय होते हुए भी, मतलब इनसे परिचय नहीं था मेरा, बहुत सारे नए नए सदस्य जुड़े हमारे, उनके साथ में मिलकर ऐसा लग रहा बिछड़ना हो जाएगा, अब कब मिलेंगे हम लोग। तो ये एक प्लेटफॉर्म है श्री राम सेवा समिति हम लोग की, श्री राम सेवा परिवार जो है इसको हम लोग बरकरार रखेंगे, आगे भी कार्यक्रम करते रहें, यही हमारी दुआ है, ये कार्यक्रम हमारा चलते रहे। मैं अरुण कंदोई श्री राम सेवा परिवार का एक साधारण सदस्य, हम लोग अभी अशोक मित्तल है मेरा नाम, हम लोग अभी 500 साल से हम लोग राम आया, हम लोग को सदस्य भी 500 साइड हो गया होगा, देखिए आप लोग देखिए होगा जोड़ा 151 जोड़ा भी किया, उधर भी किया, इधर भी किया, कितना और भी हम लोगों को ध्यान नहीं कर सकते हम, और भी बहुत कुछ भी किया हम लोग, देखिए कितना आप भी नहीं दिखा सक रहे, हम लोग भी बोल नहीं सक रहे कितना क्या क्या करेंगे। जय श्री राम। आखिर में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, ग्लोबली न्यूज और मीडिया माध्यम जो माध्यम से हमारे बहुत सारे मीडिया पार्टनर भी आए हुए हैं, सब उनको उन्होंने जो कवरेज दी है सिलीगुड़ी समाज को, जो आए हैं वो तो देख ही रहे हैं गंगा जी में डुबकी लगाए हैं, वो जो नहीं आए हैं उनको आप लोगों ने लगवाया है, तो विशेष करके ग्लोबली न्यूज को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, पंकज जी हमारे साथ में हैं आपकी ग्लोबली न्यूज, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, आप इतना 10 दिन पूरा कवरेज किए हैं लोगों तक पहुँचाए हैं, उसके लिए मैं श्री राम सेवा परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार के साथ आपके साथ आपका पंकज और द ग्लोबली न्यूज की पूरी टीम आपके साथ सहयोग, धन्यवाद। मंजिला नगेसिया, कहाँ से आए हैं? मैं नवरात्रि गार्डन से आई हूँ। अच्छा अच्छा, किस आपके घर में किसका विवाह था? मेरे घर में मेरा देवर का और मेरा देवरन का। अच्छा, हाँ। कैसा लगा आपको आकर? बहुत अच्छा लगा, इस मारवाड़ी भवन में समय भी विवाह को देखने के लिए बहुत अच्छा लगा, इसलिए सबको मैं ओर से जय श्री राम बोलती हूँ। अच्छा, थैंक यू। और क्या क्या देखा आज आपने यहाँ पे कार्यक्रम, क्या क्या हुआ? क्या क्या यहाँ का जितना भी शादी में जितना भी आए हुए हैं उन लोग को देखने के लिए बहुत अच्छा लगा, आप भाई बहन के लिए मेरा से बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ, थैंक यू। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं अभी भी जो है रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वार, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलघाट रोड सिलीगुड़ी, श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं।